हेलो एवरीवन दिवाली इज कमिंग एंड एज यूजुअल मैं हमेशा हर साल एक दिवाली ट्यूटोरियल बनाती हूँ सो व्हाई नॉट दिस ईयर आई एल बी डूइंग अ फुल कवरेज मेकअप ग्लैम फॉर एक्ने प्रोन स्किन सो ये पूरा एक एच डी ट्यूटोरियल होने वाला है जिसमें आपको हाई डेफिनेशन में पूरी मेरी एक रियल स्किन दिखने वाली है जिसमें टेक्स्चर होता है पोर्स होते हैं एक्ने होता है तो ऐसी स्किन पर आप कैसे कर सकते हो एक नाइस ग्लैम मेकअप तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मॉइस्चराइजर के साथ अब क्या है ना मेरी एक्ने ट्रीटमेंट्स चल रही हैं और मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गई है उस वजह से मेरा मेकअप क्रैक होता है इसलिए मैं ये बायोडर्मा की बियम हाइड्रा मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ यह स्पेसिफिकली इसी कंडीशन के लिए बनी है जब आप एक्ने ट्रीटमेंट्स लेते हो और आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है ये उस आपकी स्किन को नरिशमेंट देती है एंड दिस मेक श्योर कि इसके ऊपर जब मैं मेकअप करूंगी ना वो क्रैक नहीं होगा कहीं न कहीं पील्स नहीं, नहीं आएंगे स्पेसिफिकली मेरे नोज और माउथ एरिया के अराउंड अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो आप कोई जेल बेड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो फिर मैं यूज कर रही हूँ ये प्राइमर मेकअप रेवल्यूशन का ये पुराना प्राइमर है इसकी पैकेजिंग अब चेंज हो चुकी है तो आपको जब नीचे लिंक में पैकेजिंग दिखेगी वो डिफरेंट दिखेगी ये पोर प्राइमर है अगेन इसकी भी कंसिस्टेंसी काफ़ी क्रीमी है क्रीमी वे में ये सारे पोर्स को फिल इन करता है एक स्मूथ बेस देता है प्राइमर यूज करना बहुत जरूरी है मैं हमेशा कहती हूं स्किन हो टेक्सचर्ड स्किन हो स्कार्स हो तो अच्छे से प्राइमर लगाया करो ताकि वो थोड़े से अच्छे से फिल इन हो जाए और तो फिर आपका मेकअप थोड़ा स्मूथ लगे ये भी काफी क्रीमी है ना तो मेरी स्किन को बहुत अच्छे से नरिशमेंट देता है और इससे भी मेरा मेकअप क्रैक नहीं होता ये दोनों कॉम्बिनेशन मेरा आजकल फेवरेट चल रहा है एंड इट इज सूटिंग मी वेरी वेल अब आते हैं कलर करेक्शन पे जब भी फुल कवरेज मेकअप की बात आती है सबसे पहले कलर करेक्शन करना चाहिए मैं यूज कर रही हूं मेरा के ब्यूटी का 140 पर नहीं मिलेगा तो मैं नीचे अमेजॉन के कुछ सस्ते वाले ड्यूब्स डाल दूंगी जो आ, सेम आपको देते हैं से और अफोर्डेबल में ये ब्रश भी मैंने अमेजॉन से ही लिया था अल्ले का ये मैंने एक सिंगल कंसीलर ब्रश खरीदा ब्रांड का कंसीलर ब्रश नहीं था और काफ़ी से ब्लेंड कर देता है मैं कंसीलर को ब्रश से ही अप्लाई करती हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से अगर ब्लेंड करूँ सारा ब्यूटी ब्लेंडर करेंगे जाता है वो कवरेज नहीं आ पाती और आप देख सकते हो मेरे मेजर जो एक्ने के मार्क्स है पिगमेंटेशन अंडर आई पे डार्क सर्कल्स थे वो काफी अच्छे से हाइड हो गए हैं अब आते हैं फाउंडेशन पर मैं अपना मेबलिंग का सुपर स्टे नहीं यूज़ करने वाली बिकॉज मैं वो काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ आप भी बोर हो गए हो गए सो आज मैं कुछ न्यू यूज़ करने वाली हूँ ये स्विस ब्यूटी का हाई कवरेज फाउंडेशन जो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है अभी अमेजॉन की सेल पर आपको अंडर रुपीज़ थ्री हंड्रेड भी मिल जाएगा और ये काफ़ी बड़ी बॉटल आप देख सकते हो इसमें जीरो फोर शेड यूज़ कर रही हूँ जो थोड़ा सा ना ऑरेंज टोन में ज़्यादा है और इसके साथ में मार्स का टेक अ ग्लो ये ग्लोइंग एलुमिनेटर प्राइमर मिक्स कर रही हूँ वैसे प्राइमर है लेकिन मैं इसको एज अ एलुमिनेटर ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने फाउंडेशन के साथ मिक्स करने के लिए इस से क्या होता है एक तो फाउंडेशन का टोन भी थोड़ा सा ठीक हो जाता है और इससे जो ग्लो आता है ना अगर आप कोई वेडिंग पार्टीज या फंक्शन के लिए मेकअप कर रहे हो ना ये ट्रिक जरूर यूज़ करना अपने कोई भी रेगुलर फाउंडेशन में ये मार्स का टेका ग्लो मिक्स करना और ये बहुत अच्छा ग्लो देता है मैंने आपको इसमें शेड भी बता दिया मैं लास्ट आपको टाइम बताना भूल गई थी मून ग्लो है इस मार्स वाले प्रोडक्ट का शेड अब मैं इसको अच्छे से हाथ से पहले स्प्रेड करूंगी मैं पूरा थोड़ा सा ऑलमोस्ट एक फुल कवरेज चाहती हूँ कि अच्छी भरी हुई कवरेज आए सो दैट फ्लैश फोटोग्राफी हो या फिर कोई वेडिंग पार्टी फंक्शन भी हो तो एक अच्छी फुल कवरेज इसलिए मैं पहले हाथ से स्प्रेड कर रही हूं आप अगर ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश से पिकअप करते हो ना तो वो काफी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है अब मैं इसको ब्रश से ब्लेंड करने वाली ब्रश के लिए मैं यूज़ कर रही हूं। ये वाइल्ड का की ब्रश एक फ्लैट टॉप ब्रश है ये जो फाउंडेशन है मुझे काफी अच्छा लगा मतलब फॉर्डवेल प्राइस में एक अच्छी कवरेज दे रहा है मैं इसको एक्सट्रीम फुल कवरेज नहीं बोलूंगी बिकॉज थोड़े बहुत अभी भी पीप थ्रू हो रहे थे बट स्टिल फॉर द प्राइस पॉइंट इसने काफी अच्छे से वर्क किया और ये मार्स का एलुमिनेटर मिक्स करने के बाद इसकी एक डुई लुक हो गई इसलिए काफी अच्छा एक ग्लोसीनेस दे रहे मेरी स्किन को अगेन मुझे मैट वाला मेकअप नहीं करना था बिकॉज फिर मेरी स्किन ड्राई होनी शुरू हो जाती है इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूं और अब मैं यूज करने वाली हूं हाईलाइटिंग कंसीलर फाउंडेशन लगाने से ना हमारा फेस काफी ज्यादा फ्लैट हो जाता है तो दोबारा हमें कॉन्टोरिंग हाईलाइटिंग करनी पड़ती है मैं यूज कर रही हूं स्विस ब्यूटी का कंसीलर इन द शेड सैंड सेबल आई गेस दिस इज द शेड नेम मैं सबके लिंक्स नीचे डाल दूंगी ये थोड़ा सा लाइट है मेरे स्किन टोन से आप देख सकते हो हल्का सा लाइट है इससे हाईलाइटिंग बहुत अच्छे से होती है सो अंडर आइज पे नोज पर बिलो द कॉन्टोर मैं कॉन्टोरिंग इतनी प्रॉपर वाली नहीं करती लेकिन

ये मुझे काफी अच्छी लगी लाइक छोटे पैलेट में आपको कलर्स मिल रहे हैं so, अगर आप कम हो, लेकिन अगर आपको शादी पार्टी के लिए एक सा like आपको येलो रेड, ग्रीन के काफ़ी अच्छे टोन मिल रहे हैं so, मैं एक बेसिक वाली जो आपके सारे इंडियन आउटफिट गोल्ड आइज सबके साथ जाती है सबसे पहले मैंने ब्राउन टोन कलर लिया है ग्रे एशी ब्राउन सा कलर है इसको मैं क्रीज पर लगा रही हूँ पहले थोड़ा सा बाहर डैप डैब किया एक्सेस को फिर अंदर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ अब हाथ से पिक कर रही हूँ ये ब्रोन्स गोल्डन सॉर्ट ऑफ कलर और इससे मैं अंदर से लेके बाहर तक लेकर जा रही हूँ ये पैलेट में काफी पॉपिंग लग रहे थे बट आई डोंट नो मेरी आइज़ पर इतना पॉपिंग ये कलर आया नहीं बट ट्रस्ट में ये लोग सबके साथ जाने वाली है ये एक ऐसी लुक है जो आप अपनी शादी पार्टी साड़ीज़ इंडियन कोई भी आउटफिट के साथ पहन सकते हो अब मैं सिल्वर टोन पिकअप पिक कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा एक अच्छा ग्लो आए आईज के ऊपर मेरी हुडेड आईज है ना तो मैं सेंटर ऑफ आईलेट्स पर एक लाइट कलर हमेशा लगाती हूँ ताकि जब आईज खोलूँ भी ना तो एक अच्छा ग्लोई आईज लगे वरना बहुत ज़्यादा मेरी आईज हुडेड लगती है एक्सट्रीमली अगर आपकी भी स्पेक्स पहन नहीं वैसे होडेड आईज है ना तो आप ये ट्रिक कर सकते हो काफ़ी अच्छी ट्रिक है अगेन ब्रश से सब कुछ ब्लेंड कर रही हूँ जो भी हार्श लाइन्स वगैरह उन सबको ब्लेंड कर रही हूँ अब मैं पेंसिल ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये ब्रश सेट का लिंक मैं दे दूँगी मैंने अमेजोन से लिया था और इससे मैं वही सेम ब्राउन टोन कलर पिकअप कर रही हूँ नीचे अप्लाई कर रही हूँ मैं नीचे काजल या लाइनर मतलब कुछ भी कोल नहीं लगाने वाली तो मैं इसी ब्राउन टोन से स्मोकी आइज क्रिएट कर रही हूँ अब मैं यूज़ कर रही हूँ फेसिस के अंडा का मैगनेटाइज आई लाइनर ये एकदम सुपर थिन लिक्विड लाइनर है इसकी टिप इतनी पतली है ना मतलब अगर आप बिगिनर हो ना आप ये लाइनर ले सकते हो इससे आप पतली सी पतली लाइन क्रिएट कर सकते हो बट एज यूजल जब भी मैं शूट करती हूँ ना कुछ ना कुछ मैसअप होना ही होता है मुझे पतला लाइनर लगाना था बट पतला नहीं बन पाया दूसरे से मैचअप करने के चक्कर में थोड़ा सा थिक हो गया बट नेवर माइंड फाइनल रिजल्ट अच्छा था तो मुझे ठीक लगा अब मैं यूज कर रही हूँ का स्काई हाई मस्कारा मैंने रिसेंटली इसका डेडिकेटेड रिव्यू भी किया है ब्रांड के साथ आप वो जाकर भी देख सकते हो आई लव दिस वन काफ़ी अच्छा मस्कारा है और अगर लॉन्ग लास्टिंग मेकअप करने वाले हो ना कि आपको छः सात घंटे वाला मेकअप चाहिए आई थिंक दिस मस्कारा इज़ नाइस बिकॉज ये हटता ही नहीं है ये बज नहीं होता ये ऑयल क्लेंजर से रिमूव होगा ये इतना सॉलिड वाला वाटर है ना अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये मार्स का वोन स्मज वोन बज एक आईलाइन है इन्होंने रेंज निकाली है काजल की इसमें गोल्डन टोन मैं यूज़ कर रही हूँ बड़ा प्यारा लगता है मैं इसको इनर कॉर्नर्स पर लगाती हूँ ताकि थोड़ी सी आइज़ और मेरी हाईलाइट हो जाए अब मेरे पास यहाँ पे स्टूडियो में ब्लश नहीं था ब्लश लाना ही भूल गई तो यहाँ पे फेसेस कैंडा का पैलेट रखा था मैं उसी का ब्लश यूज़ कर रही हूँ ये पैलेट एवरेज है मैं इतना रिकमेंड करूँगी आई वुड से आप और भी दूसरे ब्रांड के ब्लश ट्राई कर सकते हो ये मुझे एवरेज लगता है इसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं आती बट मैं ऊपर लाना भूल गई थी सो इसीलिए अदरवाइज आई वुड प्रेफर वु इन साइड के क्रीम ब्लशेज आते हैं वो लगा सकते हो अब मैं कॉन्टोरिंग करने वाली हूं उसके लिए मैं के ब्यूटी का कॉन्टो पैलेट यूज कर रही हूं जो मैंने तोड़ दिया था बट स्टिल मैं इसको यूज कर लेती हूँ इसमें आपको कॉम्पैक्ट शेड एक सेंटर में ब्रॉन्जिंग शेड और ये कॉन्टोर शेड मिलता है एज आई टोल्ड यू मैं कॉन्टोरिंग इतनी हार्श नहीं करती मेरे फेस पर कॉन्टोरिंग सूट नहीं करती या फिर मुझे नहीं करना आता आई डोंट नो आई एम स्टिल नॉट प्रो विद मेकअप यू यूज

मैं हमेशा यही वही लिपस्टिक लगाती हूँ फिर मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल का मेरा फेवरेट हाइलाइटर जो मैंने मंथली फेवरेट्स में फीचर किया हुआ है इनसाइड का ये क्रीमी हाइलाइटर ये बहुत अच्छा है ये आपके टेक्स्चर्ड स्किन भी हो ना उसके ऊपर भी बहुत प्यारा लगता है इंटेंसिटी आप बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो अपने हिसाब से आई लव इट इसी रेंज पे ब्लश आता है मैं इसका ब्लश भी लेने वाली हूँ उसको मैं फ्यूचर में रिव्यू करूँगी बिकॉज मुझे नाइन्टी फाइव नाइन्टी के हिसाब से बहुत अच्छा लगा सुपर अफोर्डेबल एंड दैट इज़ इट फॉर माय क्विक क्विक तो नहीं काफ़ी शूट करने में टाइम लगा था बट हाँ दिखाने में क्विक लगी होगी आपको यह दिवाली मेकअप लुक मेरा रेडी बट आप कोई भी इसको शादी फंक्शन पार्टीज में भी कर सकते हो इन सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अमेजॉन uh, का एक स्टोर लिंक भी मिलेगा उस पर क्लिक करना आप ये सब कुछ ईजिली शॉप कर सकते हो एंड डू लेट मी नो आपको ये लुक अच्छी लगी या फिर नहीं अच्छी लगी सब्सक्राइब फॉर मोर एंड हैप्पी दिवाली